एस्तर की पुस्तक अध्याय चार। एस्तर की पुस्तक अध्याय चार। जब मोर्दकई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकई वस्त्र फाड़ टाट पहने राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा, और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा। परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी, और एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे। बरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे, और एस्तेर की रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मोर्दकई के पास वस्त्र भेजकर यह कहलवाया कि टाट उतारकर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न लिया। तब एस्तर ने राजा के खोजों से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवाकर आज्ञा दी कि मोर्दकई के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था, मोर्दकई के पास निकल गया, और मोर्दकई ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों के नाश करने की अनुमति पाने के लिए राजभंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है, यह भी ठीक ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों को विनाश करने की जो आज्ञा शूनन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तर को दिखाने के लिए दी, और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। तब हताक ने एस्तर के पास जाकर मोर्दकई की बातें कह सुनाई। तब एस्तर ने हताक को मोर्दकई से यह कहने की आज्ञा दी कि राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने की ही आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राज दंड बढ़ाए वही बचता है, परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं। तो एस्तर की ये बातें मोर्दकई को सुनाई गई। तब मोर्दकई ने एस्तर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्दकई के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर शूनन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन 3 रात न हो तो कुछ न खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। तब मोर्दकई चला गया, और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया।